तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, मैं हूँ लक्ष्मण कुमार वर्मा और स्वागत करता हूँ आपका हमारे वर्मा अकेडमी में। बच्चों, आज की वीडियो होने वाली है बहुत इंपॉर्टेंट। बच्चों, मैं सबसे पहले बात करने वाला हूँ, अगर आप सोच रहे हो एनआईवीएस का ऑन डिमांड एडमिशन क्लोज हो गया है, तो ऐसा नहीं है। इस नंबर पर कॉल करके आप अभी भी आप ऑन डिमांड एडमिशन ले सकते हैं। अप्रैल सेशन के लिए एडमिशन अभी भी ओपन है, ठीक है बच्चे? नंबर पर कॉल करके एडमिशन ले सकते हो, कोई भी डाउट हो तब भी पूछ सकते हो। बच्चे, वीडियो होने वाली है बच्चे, जो अक्टूबर में जिन बच्चों ने फॉर्म भर लिया है, जिन बच्चों ने अक्टूबर में फॉर्म भर लिया है, उनका प्रैक्टिकल का बच्चे आ गया है। आपका प्रैक्टिकल का डेट शीट आ चुका है। डेट शीट आपको बताऊंगा कब आपका एग्जाम है, एंड उससे पहले बताऊंगा। देखो बच्चे, एग्जाम देने से पहले पता होना चाहिए कि एग्जाम में करना क्या है, जाके करना कैसे, अपियर कैसे होना है, प्रैक्टिकल फाइल कैसे बनानी है, पूरा प्रोसेस पता होना चाहिए आपको। फिर एंड में बताऊंगा आपको डेट शीट, ठीक है बच्चे? तो सबसे पहले जो ये प्रैक्टिकल है, देखो आपको चाहिए तो कहीं से खरीद सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मैं आपको एडवाइस दूंगा बच्चे, अगर आप प्रैक्टिकल खुद से बनाते हो तो आपको अलग से प्रैक्टिकल की तैयारी नहीं करनी पड़ेगी। कहानी दोबारा सुनो, अगर प्रैक्टिकल खुद से लिखते हो तो आपको प्रैक्टिकल में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं समझाता हूँ कैसे। तो प्रैक्टिकल आपने ले लिया, बनाना कैसे है, ठीक है, और खुद से बनाओगे तो फुल मार्क्स मिलेंगे, एंड कैसे मिलेगा वो मैं बताऊंगा, और एंड में बताऊंगा आपको प्रैक्टिकल का डेट। सबसे पहले बच्चे आज ये बात करते हैं प्रैक्टिकल। देखो, ये प्रैक्टिकल का पेज रहने वाला है आपका ऐसे, ठीक है। यहाँ पे आप लिखोगे अपना एम, एम लिखोगे, एंड बच्चे आपको प्रैक्टिकल फाइल चाहिए तो मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। बस अब मुझको आपको कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा। एम लिखोगे, ऑब्जेक्टिव लिखोगे, ठीक है, ऑब्जेक्टिव लिखोगे, एंड क्या लिखोगे उसके बाद, आप लिखोगे प्रोसीजर, कि प्रोसीजर क्या है, ठीक है, प्रोसीजर। फिर रिक्वायरमेंट, रिक्वायरमेंट पहले बच्चे रिक्वायरमेंट आएगा, ठीक है, रिक्वायरमेंट आएगा, फिर लिखोगे आप प्रोसीजर, ठीक है, प्रोसीजर। तो आप सोच रहे हो सर मैं खुद से क्यों लिखूं। बच्चे, खुद से लिखने का फायदा ये है ना कि आपको पता होगा कि मैंने क्या लिखा है, तो आप अपने आप अलग ही कॉन्फिडेंस रहेगा आपके ऊपर कि भाई मैंने लिखा है, मुझे सब आता है, ठीक है। और लिखने में यार 2 दिन का टाइम लगेगा, 2 दिन भी मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, 4 घंटे का टाइम लगेगा, ठीक है। मैं बताता हूँ कैसे लिखना है। एम हो गया, ऑब्जेक्टिव हो गया, रिक्वायरमेंट हो गया, ठीक है, जो इक्विपमेंट का रिक्वायरमेंट होगा वो लिखेंगे, प्रोसीजर लिखेंगे पॉइंट में, ठीक है, एंड उसके बाद लिखेंगे रिजल्ट, ठीक है, रिजल्ट लिखेंगे, एंड बस ये हमारा प्रैक्टिकल फाइल हो गया। एक प्रैक्टिकल मैक्सिमम आप 2 से 3 पेज में लिखोगे। एंड प्रैक्टिकल फाइल कैसे होगा, तो 50 रुपये की प्रैक्टिकल फाइल आती है मार्केट में, ठीक है। उसमें एक पेज हमारा लाइनिंग वाला होता है, ठीक है, और एक पेज हमारा ब्लैंक होता है। ये वाला आपको फाइल ले लेना है, ठीक है। ये फाइल ले लोगे, आपका प्रैक्टिकल आप खुद से बना सकते हो। फ्रंट पेज उसमें सब कुछ बना हुआ होता है, तो आपको कुछ भी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। अब बताइए, हो गया कि बनता कैसे है। अब बच्चे, ये हो गया लिखना कैसे है। अब बच्चे, अब खुद से लिखोगे ना, लाइक बच्चे देखो, आपने एम लिखा, ठीक है ना, एम लिख दिया, फिर लिख दिया आपने ऑब्जेक्टिव मेरा, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है। तो हो सकता है आपने कॉपी किया, लेकिन बच्चे कहीं ना कहीं आप रीड करके कॉपी कर रहे हो ना, तो बस आपके सबकॉन्शियस माइंड में जा रहा है, तो आपके पास कॉन्फिडेंस रहेगा कि सर हाँ मैंने लिखा है खुद से, तो मैं आराम से जाके बता भी पाऊंगी या बता भी पाऊंगा, ठीक है। डिपेंड करता है कि अगर आपने आप खुद से लिखा हो तो, खुद से लिखा हो तो थोड़ा आपके पास प्लस पॉइंट रहता है, ठीक है। फिर यहाँ पे प्रोसीजर पता होगा, अगर नहीं भी पता प्रोसीजर, लिखा तो होगा आपने प्रोसीजर, तो कहीं ना कहीं एक आधा लाइन तो कहीं ना कहीं आपको याद होगा ही, ठीक है, तो कहानी वहाँ बन जाती है। तो ये तो होगा लिखने का तरीका कि आपको फाइल बनाना कैसे है। दूसरा बात बच्चे, मैं बात करता हूँ, लाइक आपने फाइल बना लिया, ठीक है, तो एग्ज़ाम में अपियर कैसे होना है, एग्ज़ाम में वो सर के पास कैसे जाना है। सबसे पहले आपको साफ़ सुथरा कपड़ा पहनना है, ठीक है, साफ़ सुथरे कपड़े पहने जाने हैं, ठीक है, साफ़ कपड़े, जिसके मतलब कपड़ा पर आपके जो ड्रेस होगा वो आपके कपड़े को प्रेस किया हुआ होना चाहिए, जूते होने चाहिए, बाल अच्छे से बने हुए होने चाहिए, ठीक है, नाखून बड़े नहीं होने चाहिए, और डिसेंट से बात करना है, टीचर से रिस्पेक्टफुल बात करना है। आप रिस्पेक्टफुल बात करने क्यों भाई, एग्ज़ाम देने जा रहे हो, सर रिस्पेक्ट। देखो बच्चे, जो आपका एग्जामिनर है ना, रिस्पेक्टफुल, ठीक है, जो आपका एग्जामिनर आपको नहीं जानता, ठीक है, आपको पर्सनली नहीं जानता, बच्चा कैसे, आपको उसने 1 साल नहीं पढ़ाया, तो उसने आपको 1 साल नहीं पढ़ाया तो वो चाहेगा कि बच्चा जो है, जो बच्चा आए वो डिसेंट सा बिहेव कर रहा हो। अगर उसका बिहेवियर बिहेवियर सही होगा, ठीक है, तो मार्क्स वैसे ही मिलेंगे, ठीक है,
मार्क्स वैसे ही मिलेंगे। देखो बच्चे, अगर आपको 20, देखो 20 मार्क्स का हमारा प्रैक्टिकल होता है, ठीक है, अगर 20 में से आपको 18 18 या फिर 19 मिल जाता है ना, तो आपका बहुत बढ़िया प्रैक्टिकल गया है। एंड अगर 18 यहाँ से आ जाता है और 80 में से आपके उधर मिल जाते हैं, 60 के आसपास भी मिल जाता है, ठीक है, 55 भी आ जाता है ना आपका, 55 भी, तो वहाँ से आपके हो गए थे 18, तो यहाँ भी 18 जोड़ेंगे तो बच्चे मोर देन हो गए ना 75%, मोर देन 75% हो गया, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो यही इसलिए कह रहा हूँ बच्चे, आपका बिहेवियर अच्छा होना चाहिए। देखो गर्ल हो चाहे बॉय हो, अच्छे कपड़े पहन के जाओ, डिसेंट से बिहेव करो, किसी से लड़ाई झगड़ा मत करो, टीचरों के साथ बदतमीजी मत करो, टाइम पे जाओ, पंचुअल रहो, ये सब चीज़ें फॉलो करोगे तो आपको फुल मार्क्स मिलना आसान है। क्योंकि देखो यार, बहुत सारे बच्चे होंगे, 300 400 बच्चे रहने वाले हैं आपके उस सेशन के अंदर, जो आपका एक प्रैक्टिकल एग्जाम होने वाला है, मैं आपको डेट शीट बताऊंगा अभी। तो सर उसने टीचर के पास उतना टाइम नहीं है कि भाई एक एक करके बच्चे में बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाए, लेकिन आपके आपको देखेगा जरूर, आपको टीचर जो होगा वो आपको देखेगा ऊपर से नीचे तक, अगर आप डिसेंट से लग रहे होंगे, साफ सुथरा बच्चा होगा, अच्छा दिखेगा, ऑब्वियसली बात है यार, अच्छा जो बच्चा अच्छा दिखता है उसको एक्स्ट्रा मार्क्स तो मिलते ही हैं, ठीक है ना, तो ये कहानी है, ठीक है। तो बच्चे ये आप इसमें इसमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हो इस तरीके से। अब बनाना कैसे है मैंने बता दिया कि एम लिखना है, और बच्चे बहुत बड़ी बात नहीं है यार, खुद से मैं आपको, देखो आपको चाहिए प्रैक्टिकल फाइल कहीं से भी ले लो, आपको बहुत तरीके हैं मिल जाएंगे, लेकिन मैं आपको एडवाइस दूंगा अगर आप मेरी बात मानते हो तो, जितना मेरे को एक्सपीरियंस है, अगर ये फाइल खुद से बना के जाते हो ना आप, ये खुद से अपने हाथों से लिख के जाते हो, तो इसका मजा अलग है, इसके मार्क्स अलग मिलेंगे, क्योंकि आपको खुद की राइट हैंड राइटिंग होगी वहाँ पे, ठीक है, तो अलग कहानी होगी, ठीक है। बाकी बच्चे हम बात करते हैं यार कि डेट शीट क्या है, तो डेट शीट के लिए हमें आना पड़ेगा अपने ब्राउजर पर। एंड बच्चे देखो क्या करना है, ब्राउजर पे आते ही आप लिखोगे NIOS नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन जैसे क्लिक करोगे आपका, देखो यहाँ पे क्या है, क्या पहला 31 तारीख 8वें महीने, मतलब कि 31 अगस्त को नोटिफिकेशन आया है, इस पर हम कर देंगे क्लिक। जैसे बच्चे क्लिक करोगे आपको ये ओपन हो जाएगा, ठीक है, एंड ये आपका डेट शीट है, ऐसे डाउनलोड कर लेना आप। प्रैक्टिकल एग्जाम फॉर सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी फॉर NIOS पब्लिक एग्जामिनेशन सितंबर 2024 एज शेड्यूल फॉर द हेल्ड 20/9/2024, मतलब कि 20 तारीख नवंबर महीना 2024 तारीख को आपका आपका होने वाला है प्रैक्टिकल एग्जाम 20 तारीख को। एज सेंटर ऑल द इंडिया ऑल ओवर द इंडिया ओवरसीज लर्नर द डेट ऑफ डेट शीट ऑफ द प्रैक्टिकल, ठीक है, द होल डेट शीट ऑफ द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन भी अटैच विद द नोटिफिकेशन ऑल्सो अवेलेबल द NIOS वेबसाइट एंड द हॉल टिकट ऑफ द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन विल बी मेड अवेलेबल ऑन द पोर्टल बिफोर स्टार्टिंग द प्रैक्टिकल एग्जाम, मतलब कि जो आपका प्रैक्टिकल का हॉल टिकट है आपको आपके पोर्टल में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, आपके एग्जाम का हॉल टिकट डाउनलोड किया था वैसे ही जाके डाउनलोड कर लेना है, और अगर आपको नहीं करना आ रहा तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट करोगे, ठीक है। एंड क्या लिखा, अटेंडेंस सीट फॉर द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन विल बी मेड अवेलेबल ऑन द डैशबोर्ड ऑफ द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन सेंटर विच कैन बी डाउनलोडेड बाय द एग्जामिनेशन सेंटर एंड क्या लिखा है, सप्लीमेंट सुप्रीम सुपरिटेंडेंट आर द अवार्ड फॉर द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन आर अपलोडेड बाय द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन सेंटर NIOS टू द पोर्टल, वही है बच्चे कि वो आपको डाउनलोड करेंगे अटेंडेंस शीट और वहाँ पर आपको अटेंडेंस लगाया जाएगा, ठीक है। मैं रीड करके से बता रहा हूँ आपको कि आपको पूरा समझ में आ जाए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसको रीड नहीं करते, और रीड नहीं करेंगे तो आपको नॉलेज नहीं आएगा, नॉलेज नहीं आएगा तो पता नहीं चले क्या, ठीक है। तो रीजनल सेंटर ऑफ NIOS विल बी ऑब्टेन द शेड्यूल ऑफ प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन फ्रॉम ईच एग्जामिनेशन सेंटर वेल द एडवांस बेस्ड ऑन द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन डेट शीट एंड द रीजनल सेंटर विल बी फर्दर डेप्यूटेड ओवर द स्मूथ एंड फेयर कंडक्शन, मतलब वो ये है कि भाई जो आपको जहाँ पे एग्जाम हो रहा होगा बिल्कुल स्मूथली और ऐसे करके होगा, मतलब कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं होगी, ठीक है। अब हम आगे बढ़ जाते हैं, आगे हमारे यहाँ पे आपका डेट शीट दिख रहा होगा, ठीक है, आपको डेट शीट देखो, ऑल हेड ऑफ द डिपार्टमेंट NIOS, ये कुछ डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, आप रीड कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड यहाँ आपका डेट शीट आ जाता है बच्चे, एंड ये आपका डेट शीट है, देखो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है बच्चे को, अगर बच्चा कोई 10th का है या फिर 12th का है, नोटिफिकेशन के अंदर है आपको लिखा हुआ है, देखो 20 सितंबर और 23 से 23 सितंबर के बीच में क्या लिखा है, होम साइंस बायोलॉजी जियोग्राफी पेंटिंग कंप्यूटर साइंस मास कम्युनिकेशन इन सब के प्रैक्टिकल एग्जाम होने वाले हैं, ठीक है। तो ये आपकी कहानी है, यह है सेकेंडरी के लिए, सीनियर सेकेंडरी के लिए, और सेकेंडरी के लिए भी है साइंस एंड टेक्नोलॉजी होम साइंस, ठीक है, और फोक आर्ट्स 24 तारीख से 27 तारीख के बीच में होने वाला है, सितंबर में 24 तारीख से 27 तारीख के सितंबर में होने वाला है बच्चे। देखो तो अगर 10वीं 12वीं का बच्चा है, केमिस्ट्री फिजिक्स इन्वायरमेंटल साइंस फिजिकल एजुकेशन एंड योग डेटा डेटा इंटरप्रिटेशन एंड लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन
साइंस, ठीक है, 10वीं में पेंटिंग, मैथ्स, हिंदू हिंदुस्तानी म्यूजिक और ये ऑपरेशन, ठीक है, डेटा एंट्री ऑपरेशन। तो बच्चे ये पूरा कहानी है, एंड ये 3 अक्टूबर, 3 से लेकर 7 अक्टूबर के बीच खत्म हो जाएगा, जो कि आखिरी रहने वाला है आपका। इसमें आपका होगा क्या लिखा है, पीसी हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ठीक है, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड असेंबली एंड द मेन एंड द मेंट आई टी इंसेंशियल्स, तो ये आपके रहने वाले सब्जेक्ट्स। और 10वीं क्लास में आपका रहने वाला है हैंड एंड फूड केयर्स, बेकरी एंड कन्फेक्शनरी, ये सब कुछ सब्जेक्ट रहने वाले हैं, ठीक है बच्चे। और बीच में एक मैंने छोड़ दिया, 28 सितंबर से 1 अक्टूबर के बीच में रहने वाला है आपका, ठीक है। अगर आप हो 12वीं क्लास में तो हाउसकीपिंग, कैटरिंग मैनेजमेंट, फूड प्रोसेसिंग, ठीक है, ये सब्जेक्ट रहने वाले हैं। एंड क्या लिखा है, ये द होटल फ्रंट ऑफिस ऑपरेशन, मतलब इन सब्जेक्ट वो है जो बहुत कम बच्चे जनरली लेते हैं, लेकिन जिन बच्चों का एग्जाम है वो इन यहाँ इस डेट में होने वाला है। तो डेट आप याद कर लो चाहे लिख लो, ठीक है। पहला 20 से लेकर 23 के बीच में पहला होगा आपका, मैंने यहाँ पर सब्जेक्ट लिखा है, चाहे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, बाकी आप डाउनलोड करना मैंने सिखा दिया। एनओएस गूगल पे लिखोगे, लिखोगे एनओएस नोटिफिकेशन, पहला ही लिंक आएगा, क्लिक करोगे एंड हमारा यहाँ पे ओपन हो जाएगा। डेट जो स्टील डेट पे लिखा होगा 31 अगस्त, वो डाउनलोड कर लेना। ये पूरी कहानी है, ठीक है बच्चे, ये पूरी कहानी है। और डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ टिप्पणी, जो भी आपको रीड करना है समझ लेना, ये पूरा कहानी होने वाला है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं थोड़ा आगे। मैंने आपको समझा दिया कि कैसे आप अपना नोटिफिकेशन डेट शीट डाउनलोड कर सकते हैं, मैंने आपको बता भी दिया। एंड बच्चे वीडियो में इतना ही था, ठीक है। कैसे फुल मार्क्स कैसे लेना है, आपको तैयारी कैसे करनी है, पूरा मैंने वीडियो में बताया है। अगर आप पूरा वीडियो देखते हो, 2 बार देख लो, 1 बार देख लो, अगर टाइम वेस्ट हो रहा है तो 1.5x पे देख लो, और स्लो दिखना है, मैंने ज़्यादा जल्दी जल्दी बोल दिया है तो 7.75x पे देख लो, लेकिन बच्चे समझ में आना चाहिए। एंड और कोई डाउट है तो बच्चे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, आपकी प्रॉब्लम सारी सॉल्व की जाएगी। बाकी बच्चे नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, कोई भी डाउट है, एडमिशन लेना है इस नंबर पर कॉल करके ऑन डिमांड एडमिशन, और बच्चे आपका अप्रैल सेशन के लिए एडमिशन ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात हो तब भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। बाकी मुझे वीडियो में इतना ही था, वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद बच्चे।